मेरी प्यारी YouTube फैमिली, आज सब सोच रहे होंगे कि मैं रिक्शे में बैठकर कहाँ जा रही हूँ। आज मैं रिक्शे में बैठकर एक शॉपिंग की जगह पर जा रही हूँ। जी फ्रेंड्स, बताएं मैं कहाँ पर आई हूँ। आप में से ज़्यादातर ने तो गेस कर लिया होगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह न्यू हैं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। मैं आई हूँ मिसाकुल मॉल। ये मॉल फैसलाबाद का बहुत फेमस मॉल है, इसे इम्तियाज़ मॉल भी कहते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर कभी आई नहीं हूँ, ये मेरा पहला विज़िट है। तो अगर आप मेरी तरह बिल्कुल न्यू हैं और आपने भी यहाँ पर विज़िट नहीं किया तो आ जाएं, डिस्कवर करते हैं इस मॉल को और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। लेट्स डिस्कवर इट टुगेदर। जी फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आई हूँ यहाँ $1 शॉप में। ये $1 शॉप मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, क्योंकि जो हमारे लोकल एरिया में जिनसी होती है $1 शॉप, वो इतनी अच्छी दिखती नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेकअप का सामान है, फिर यहाँ पर ये स्टफ़ टॉयज़ पड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये टॉयज़ हैं बच्चों के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दिख रहे हैं, ये भी नाइस। ओवरऑल तो बहुत ही अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये स्टफ टॉयज़ भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर ये पार्टी की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये पार्टी की, अगर आपके घर में कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी, तो यहाँ से भी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। और यहाँ पर क्राउन भी पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पर ये क्रॉकरी शुरू हो जाती है, क्रॉकरी है, किचन की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये टेबल क्लॉथ, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और लग भी नहीं रहा है कि ये $1 यानी 150 की हैं। ये मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मैंने सोचा थोड़ी सी मेकअप की शॉपिंग कर लूँ। मैं ज़रा चीज़ें चेक भी कर रही थी कि देखूँगे कौन सी चीज़ें कैसी हैं। मुझे एक हाइलाइटर भी चाहिए था तो मैंने वो भी ले लिया। ये फाउंडेशन भी मुझे अच्छी लग रही थी और ये मस्कारा है, मस्कारा भी मुझे अच्छा लग रहा था देखने में भी, और आई थिंक कि अच्छा है, इसमें मैंने सोचा मैं ले ही लूँ। फिर मैं ज्वेलरी की शॉप पर आ गई, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी पड़ी हुई थी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी ज्वेलरी थी और बड़ी यानी कि अफोर्डेबल प्राइस में, ओनली 150 में, ये मुझे काफ़ी बेहतर लगा। और यहाँ की ज्वेलरी बड़ी ही यानी कि मॉडर्न और अच्छी दिख रही थी। ये देखें, ये कितने प्यारे नेकलेस हैं।
मुझे ये पेंडल बहुत पसंद आया, ये बड़ा स्टाइलिश है। अब हम जा रहे थे गारमेंट्स की शॉपिंग के लिए, कुछ ड्रेसेस लेने के लिए, तो आ जाए फिर साथ चलते हैं। ये मैं आ गई हूँ मारिया बी में। मारिया बी के कपड़े अच्छे होते हैं, मैं ज़्यादातर वेयर करती हूँ, ये स्टिच्ड ड्रेसेस पसंद करती हूँ, तो मैं वही देख रही थी कि मुझे कौन से ज़्यादा पसंद हैं, यानी ईद के दिन मैं कौन से पहनूँगी, तो मैंने यही कुछ ड्रेसेस देख रही थी। वैसे यहाँ पर ड्रेसेस बहुत प्यारे लगे हुए हैं, इनकी कलेक्शन बड़ी खूबसूरत है, सारे ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद आए। कभी कभी इतने प्यारे ड्रेसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि चूज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं बस यही सोच रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस लूँ। अब हम जा रहे हैं इम्तियाज़ मॉल के बेसमेंट में जा रहे हैं, यहाँ पर भी सुना है कि बहुत कुछ है। बेसमेंट में एंटर होते ही हमें किचन अप्लाइंसेस नज़र आते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त हैं, और देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर, ओवन की, माइक्रोवेव की, और भी बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो इनके प्राइसेस क्या हैं क्योंकि मैंने प्राइसेस पूछे नहीं। और ये देखें, मुझे ये कटलरी बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा, कितनी खूबसूरत है और कितनी रॉयल लगती है ना। और ये अगर आप अपने घर में यानी कि लैंप्स लगाना चाहते हैं तो ये कितने खूबसूरत लैंप्स हैं और एंटीक दिखते हैं, वाओ। ये मुझे सबसे पसंद है ये कुशन, सॉफ्ट से फर वाले कुशन मुझे ज़्यादा पसंद हैं, तो कुशन की काफ़ी वैरायटी थी। और ये हम थोड़ा आगे आ गए तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पर, यानी कि टॉयज, बहुत कुछ चीज़ें हैं और लैम्प्स, वाओ बहुत प्यारे। आगे ये पेंटिंग्स आ गई, पेंटिंग्स भी बहुत कमाल की यहाँ पड़ी हुई थी, घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से पेंटिंग परचेज करें, कितनी खूबसूरत है। आई नो ये एक्सपेंसिव तो होंगी, लेकिन घर को डेकोरेट करना है तो कुछ तो खर्चा करना पड़ता है ना। ये वेलवेट पर बनी हुई थी पेंटिंग, ज़बरदस्त थी ये। और ये सब क्लॉक्स हैं, बहुत वैरायटी है क्लॉक्स की यहाँ पर भी। और ये देखें, ये स्टफ टॉयज, डोरा, अब हम और नीचे जा रहे थे देखने के लिए कि और क्या क्या पड़ा है। तो हम नीचे गए तो नीचे भी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था, यानी एक साइड पर तो ग्रोसरी का सामान था तो दूसरी साइड पर यही किचन की सबसे सारी चीज़ें थी, यानी कि कंटेनर्स, बॉटल्स और किचन से रिलेटेड ये चीज़ें सब कुछ पड़ी हुई थी यहाँ पर। यानी कि अगर यहाँ पर आपको आपकी पसंद की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, अगर आपने मेरी वीडियो को इन्जॉय किया है तो इसको लाइक करते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।